हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मिल्क केक। मैंने यहाँ पर 1 किलो दूध को ऑलरेडी हल्का उबाल लिया है और अब हम इस दूध को कंटिन्यूसली उबालते रहेंगे जब तक कि दूध गाढ़ा ना हो जाए। और ध्यान रखना कि आपको इसको लगातार इसी तरह से हिलाते रहना है लो फ्लेम में, वरना ये नीचे से चिपकने लगेगा। आप देख सकते हैं कि दूध काफ़ी गाढ़ा बन चुका है और इसमें मलाई भी बननी शुरू हो चुकी है। तो अब हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे 1 चम्मच नींबू का रस और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मिला लेंगे और इंतज़ार करेंगे इस दूध के फटने का। नींबू मिलाने के बाद आपको दूध को अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए हिला लेना है। अगर तब भी आपका दूध ना फटे तो आप 1/2 चम्मच नींबू का जूस और भी ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा दूध अभी फटने लगा है। हम इसको इसी तरीके से अभी 2 से 3 मिनट और पकाएंगे और इंतज़ार करेंगे कि इसमें से मॉइस्चर और पानी बिल्कुल निकल जाए। दूध से पानी ऑलरेडी निकल चुका है, अब हम इसमें डालेंगे शक्कर। पहले हम थोड़ी सी शक्कर डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अभी हम बाकी के शक्कर डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी दूध के लिए 1 कटोरी शक्कर इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो अपने हिसाब से शक्कर की मात्रा को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ध्यान रखें कि शक्कर डालते ही ये फिर से गीला हो जाता है और आपको फिर से कम 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छी तरीके से चलाना है ताकि इससे जो भी मॉइस्चर है वो निकल जाए। आप देख सकते हैं कि इससे मॉइस्चर निकलने लगा है और ये अब कढ़ाई भी छोड़ने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे 4 बड़े चम्मच घी और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मिला लेंगे। घी डालने से इसकी टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। आपको इसमें कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इलायची, ना ही काजू किशमिश, क्योंकि ये ऐसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट देता है। आप देख सकते हैं कि इसमें एक बहुत ही बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आया है क्योंकि इसको हमने बहुत ही अच्छी तरीके से भुना है और अब ये कढ़ाई भी छोड़ने लगा है। अब हम इसको निकाल लेंगे। आप जिस भी बर्तन में इसको निकाल रहे हैं उसमें अच्छी तरीके से घी लगा लें। इसको अब मैं इस बाउल में इस तरीके से ट्रांसफ़र कर लूँगा और ध्यान रखना कि इसको गर्म गर्म ही ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफ़र करने के तुरंत बाद इसको इवेंटली इस तरीके से स्प्रेड कर दें। अब मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दिया है। अब हम इसको एक प्लेट से इस तरीके से ढक देंगे और 3 से 4 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे। 3 घंटे हो चुके हैं, तो चलिए देखते हैं। ये अब बिल्कुल परफेक्टली जम चुका है जैसे कि इसको जमना चाहिए था। और अब हम एक चाकू से धीरे धीरे इसके साइड के लॉक्स को काट लेंगे इस तरह से। इसको आसानी से किसी भी मोल से निकालने के लिए इस तरीके से आपको 5 सेकंड के लिए गर्म कर लेना है। ऐसा करने से इसकी बेस ढीली हो जाती है और ये आसानी से मोल से निकल जाता है। इसको मैं अब थोड़ा सा टैप कर लूँगा ताकि ये आसानी से मोल से बाहर निकल सके। वाओ, है ना ज़बरदस्त। देखिए कितना ज़्यादा शानदार दिख रहा है। आप इसके कलर को ही देख के इमेजिन कर सकते हैं कि कितने अच्छी तरीके से पका है। प्लस इसमें जो घी का एयर आया है और खुशबू तो ज़बरदस्त, जो आप अभी महसूस नहीं कर सकते। तो चलिए अब मैं इसको काट लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसकी टेक्सचर और इसकी थिकनेस। मैं तो ये आपको दावे से कहूंगा या कह सकता हूं कि ये काफ़ी बेटर है दुकान में मिलने वाले मिल्क केक से, क्योंकि ये कम्प्लीटली हाइजीनिक और हेल्दी है, प्लस प्योर है। और टेस्ट तो आप बना के देखना। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी थिकनेस काफ़ी अच्छी है। मैंने 1 लीटर दूध में बनाया था, इसको तोड़ते ही इसमें जो दाने आए हैं वो भी काफ़ी अच्छे बने हैं।
और इसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त आया है और ये टेस्ट में भी दुकान की मिल्क केक से तो बहुत बेटर है। तो अब मैं इसको कट कर लूँगा और बादाम या पिस्ता से इसकी फाइनल गार्निशिंग। इनको गार्निशिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे बादाम का इस्तेमाल किया है। मैंने इनको दो हाफ्स में काट लिए हैं। आप बादाम के अलावा पिस्ता का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये तैयार है।